ने पूरन तैयार करके रख दिया था, जो कि हमारा पूरन पूरा रेडी हो चुका है, सूख गया है, पतला था, तो अब हम पूरन पूरी बनाने के लिए तैयार है। ये पूरन, ये हमारा मैदा है जो कि हमने पूरन के पूरी के लिए रेडी करके रखा था। अब ये भी एकदम मुलायम हो चुका है और मुड़ गया है अच्छी तरीके से। अब हम पूरन पूरी बनाने के लिए ये रेडी है। देखिए गाइस, ये हमने पूरन के लिए पपड़ी बेल के तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें दाल भी भरेंगे जो कि हमारी पूरन की दाल है। देखिए गाइस, हमने इसमें दाल भर ली है। अब इसको मिला लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, जो ये ऊपर का आटा है इसको निकाल लेंगे, इसको पूरा अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि ये फटे ना। और अब इसको बेल लेंगे हम। हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेना चाहिए ताकि ये फटे ना कहीं से, ना टूटे ना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। आप कमेंट कीजिए कि हमारी पूरन पूरी कैसी बनी है। देखिए गाइस, हमारी पूरन पूरी बन के रेडी है एकदम परफेक्ट। अब आप बताना कि हमारी पूरन पूरी कैसी बनी है। आप बताना आप कि हमारी पूरन पूरी कैसी बनी है, एकदम अच्छी बनी है या नहीं, कमेंट में बताना गाइस। देखिए गाइस, हमने इस हमारे तवे पर पूरन पूरी डाल दी है, तवा तक के तैयार था। अब हम इसको उल्टा लेंगे ताकि ये जले ना करके।